Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. Hey, what's up guys? ये हमारे पास Samsung का app roll और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं कैसे आप इस फोन में ऐप हाइड कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इस फोन में अपने एप्लीकेशन को हाइड कर पाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ज़रूरत है कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करने की, जैसे कि कोई गेम वगैरह या फिर कोई भी एप्लीकेशन जिसको आप नहीं शो कराना चाहते कि आपको वो किसी को दिखाना है, नहीं चाहते आप नहीं दिखाना है आपको, तो आप हाइड कर सकते हैं इस फोन में। वो भी आपको बाय डिफॉल्ट ये फीचर देखने को मिल जाता है। तो चलिए बताते हैं कैसे आप इस फोन में अपने एप्लीकेशन को हाइड कर पाते हैं। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आपको टू फिंगर लेना है और होम स्क्रीन पे इस तरीके से पिंच इन करना होगा। इस पर पिंच इन करने के बाद आपको नीचे तरीके साइड में सेटिंग के आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे शो हो जाता है हाइड ऐप। तो सिंपल आपको हाइड ऐप पे क्लिक करना है। अब यह आने के बाद आपको सारे एप्लीकेशन शो हो जाते हैं जो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं और जो भी आपके फ़ोन के एप्लीकेशन हैं। तो उस एप्लीकेशन को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि क्रोम वगैरह हुआ, हमारा क्लॉक हुआ, जिन एप्लीकेशन को आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना होता है। जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड करने हैं वो सिंपल इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। अब आपको दिखेगा नीचे साइड में बटन डन का, आपको डन पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स हमारी जो होम स्क्रीन है इस पर ये सारे एप्लीकेशन गायब हो चुके होंगे। आप कहीं भी देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इनको एक्सेस करेंगे। जैसे कि आपने हाइड तो कर दिए, अब आपको एक्सेस करना है, इन एप्लीकेशन को चलाना है जो कि आपने हाइड कर रखे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, हाइड एप्लीकेशन को आप एक्सेस भी कर पाएंगे। तो चलिए क्या करना है आपको फ्रेंड्स, आपको सर्च बार दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको वो एप्लीकेशन सर्च करना है जो आपको यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि आपको गूगल क्रोम को यूज करना है तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा क्रोम। तो सिंपल आप जैसे CH लिखेंगे आपका एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी आपका वर्ड है, दो चार वर्ड उस एप्लीकेशन में लिखते हैं तो आपको यहाँ पे वो शो हो जाएंगे। तो सिंपल आपको टैप करना है यहाँ पे, और टैप करने के बाद वो एप्लीकेशन आपका यहाँ पे रन हो जाएगा। फिर आप उसको बहुत आसानी से यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से तो आप इनको एक्सेस कर पाते हैं हाइड एप्लीकेशन को। अब आपको बता दें कैसे आप इनको अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपको टू फिंगर से पिंच इन करना होगा स्क्रीन पे। फिर आपको सेटिंग में जाना होगा, फिर से आपको हाइड ऐप पे क्लिक करना होगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो एप्लीकेशन हाइड है वो ऊपर शो हो जाते हैं। तो सिंपल इस तरीके से उनको माइनस वाले आइकन पे क्लिक करके आप इनको अनहाइड इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस फोन में इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इनको कैसे एक्सेस करेंगे, तो आप इस तरीके से इनको एक्सेस कर सकते हैं और इनको इस तरीके से अनहाइड भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कैसे आप सैमसंग F12 में अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं और कैसे एक्सेस कर पाएंगे, सब कुछ आप समझ चुके हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा वीडियो डिसलाइक कीजिए। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।